हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद लर्निंग क्रिएशन एपिसोड नंबर 9 और लेसन नंबर 7। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया की। तो ये आज का हमारा टॉपिक नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है ये और कैसे इसका यूज करते हैं हम नेटवर्किंग के फील्ड में। हम बने आपके साथ और आज हम बात करेंगे नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं ये। ठीक, तो ये शुरुआत करते हैं। नेटवर्क एक है ट्रांसमिशन और एक है मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पे है मीडियम से। पहली बात तो ये नोटिस आप रखें दिमाग में कि आप जो मीडिया का मतलब है वो मीडियम से मतलब है। अब नेटवर्क ट्रांसमिशन, जो नेटवर्क में जो भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं इसको हमें पढ़ना होता है अपने नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम में। मान लीजिए वो कॉपर वायर है या फिर आप ऑप्टिक फाइबर केबल यूज करते हैं या फिर आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो किस मीडियम के थ्रू आप बात कर रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू आप बाकी स्टेशन को कनेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया में। यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे। तुम यहाँ बस इसलिए नहीं आए कि बस तुम आओ और चीजों को रटो और चलो जाओ। ठीक है, यहाँ पर रटने का मतलब नहीं, यहाँ मतलब समझने से है। तो नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया की जब मैं बात करूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे मीडियम की जो हम यूज करते हैं किसी नेटवर्क में कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो यही है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया कि इससे ये जो एक नेटवर्क है इसमें जो ट्रांसमिशन होगा डाटा के जाने का यहाँ तक वो किस मीडियम के थ्रू होता है, ये मैं बात करनी है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम में। ठीक है, अब ये हो सकता है कि लैन में हम यूज करते हैं केबल्स। ठीक, जैसे कि मे बी ऑप्टिक केबल है या फिर फाइबर केबल है या फिर कॉपर केबल है या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती है। ठीक है ना, तो ये किस तरह का कनेक्शन आपने कर रखा है दो वर्किंग स्टेशन या नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए, ये हमें पढ़ना होता है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत। या फिर ये मीडियम फायर सॉरी केबल फ्री है, केबल फ्री। तो बेसिकली ये दो तरह का होता है, आप दो वर्क स्टेशन को आपस में जोड़ने वाला काम दो तरह से कर सकते हैं, या तो केबल के थ्रू या फिर केबल फ्री मीडियम के थ्रू, जहां पर केबल का कनेक्शन कोई झाड़ी ना हो। ठीक है, या तो आप कर सकते हैं ऐसे केबल के थ्रू ताकि आप दो नोड्स के बीच में केबल लगा कनेक्शन केबल एक मीडियम बनाए और नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडियम बना करके आप उसका इस्तेमाल करें नेटवर्क में ट्रांसमिशन करने के लिए। या फिर आप यूज कर सकते हैं केबल फ्री तरीका, यानी कि वैक्यूम वेव्स इन सबसे इंटरप्शन डालने के लिए, जैसे कि आप यूज करते हैं वायरलेस मीडिया में। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं आगे कि और क्या क्या माध्यम है जैसे आप दो नोड्स को आपस में जोड़ सकते हैं और नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और डिटेल में। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात करते हैं पीछे की पुरानी रिकैप की कि हमने एक नेटवर्क ट्रांसमिशन नाम से एक चीज पढ़ी हुई थी बीच में पिछले कुछ वीडियोस में ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब क्या था कि नेटवर्क ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, सिंगल सिंगलेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये हमने पढ़ा था। तो ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीडिया की और कि किस मीडिया के थ्रू ये डाटा चाहे इस तरीके से जाएगा पर किस मीडिया के थ्रू। तो ये मीडिया होता है दो तरह का, या तो ये होगा गाइडेड मीडिया जिसको कि आप कह सकते हैं वायर मीडिया, इसका एक नाम और भी होता है वायर्ड, जहां पे वायर आप यूज करते हैं नोट्स को आपस में जोड़ने के लिए। अगर आप नोड्स को जोड़ने के लिए एक वायर इस्तेमाल करिए तो हम कह सकते हैं कि आपने नेटवर्क जोड़ने के लिए गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम अक्सर लैन में करते हैं लैन केबल के साथ या फिर ट्विस्टेड केबल के साथ करके। और अगर आपने यूज किया है वायरलेस मीडिया तो उसे हम कहेंगे वायरलेस या फिर अनगाइडेड मीडिया। ठीक, तो क्या होता है गाइडेड मीडिया और क्या होता है अनगाइडेड मीडिया, थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में। इतना समझ में आया कि जो नेटवर्क जो हम दो नोड्स के बीच में दो जो भी नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनमें अगर हमें कनेक्शन बनाना हो तो नेटवर्क ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, मतलब कि नेटवर्क में ट्रांसमिशन किस तरह से होगा, किस मीडियम के थ्रू होगा, उसको हम पढ़ते हैं नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया में। अब ये मीडिया दो तरह का हो सकता है कि या तो एक गाइडेड मीडिया हो मतलब कि वायर्ड केबल कनेक्शन हो या फिर ये वायरलेस हो। ठीक,
जब भी हम बात करें नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया की, तो उसका मतलब है कि कनेक्शन केबल, कनेक्टिंग केबल दो नोड्स के बीच में, वो कैसी है, या तो गाइडेड होंगी या अनगाइडेड होंगी, या फिर इन दोनों का मिक्सचर होगा, ताकि ये दो नोड्स आपस में बात कर पाए। समझ में आया? तो पढ़ते हैं आगे गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना, ये डाटा ट्रांसमिशन के तरीके से, कि या तो डाटा ट्रांसमिशन सिंगल में होगा, या फिर हाफ डुप्लेक्स वे में होगा, या फिर फुल डुप्लेक्स वे में होगा, लेकिन किसी भी तरह के वे में हो उसके लिए केबल तो चाहिए, कनेक्शन केबल तो चाहिए ना, मीडियम तो चाहिए डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तो वही मीडियम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो डाटा ट्रांसमिशन था, कैसे होता है। अब डाटा ट्रांसमिशन के मीडिया क्या होते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, दो तरह के मीडियम होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं वायर्ड मीडिया, इसमें हम यूज करते हैं या तो फाइबर केबल, या फिर इसमें हम यूज कर सकते हैं ऑप्टिक केबल, जैसे कि हम आजकल कर रहे हैं, और पहले इसमें यूज करते थे हम लोग कॉपर की केबल्स, ठीक है। और इसी के साथ ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी होती हैं कॉपर की, जिसे हम यूज कर सकते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका पीसी, ये आपके दोस्त का पीसी, और इसको हमने जोड़ दिया एक ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो अब जो भी डाटा का ट्रांसमिशन आप करेंगे यहां से यहां तक में, वो गाइडेड मीडिया के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये सब एग्जांपल है गाइडेड मीडिया के। यहां पे कि इसको से समझ लीजिए, दोनों को समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल देता हूं कि गाइडेड मीडिया क्या हो गया, जहां पे आपके डाटा को, जो भी वो आपका डाटा है, उसे कोई एक वायर गाइड कर रही है कि जाना कहां कहां कैसे कैसे है, ठीक। गाइडेड मीडिया जहां पे कि आप कनेक्शन केबल्स यूज करते हैं, और वो केबल के साथ साथ डाटा ट्रेवल करता है, केबल उसे पूरा गाइड करती है रास्ते के दौरान कि कैसे कैसे चलना है डाटा के लिए, ठीक। तो अनगाइडेड मीडिया क्या हो गया, जहां पर कोई केबल है ही नहीं, यानी कि वायर लेस। यहां पे कैसे होता है, या तो वेव्स होंगी, या फिर एयर होगा, या फिर वैक्यूम होगा, ठीक। समझ में आया? दो तरह के मीडिया हमारे पास होते हैं, एक गाइडेड एक अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया जहां पर हम कनेक्शन केबल यूज करते हैं, लाइक फाइबर केबल, ऑप्टिक केबल, कॉपर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। और अगर हम दो नोड्स को आपस में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इन किसी माध्यम से जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि हमने गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल किया डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। वहीं अगर हम केबल कनेक्शन यूज ना कर करके हम कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनगाइडेड मीडिया। मतलब कि हमने दो नोड्स को आपस में कनेक्ट किया है एक अनगाइडेड मीडिया से, मतलब कि हमने कनेक्ट किया है वायरलेस मीडियम से, या तो जो डाटा ट्रेवल हो रहा है वो वेव से हो रहा है, या फिर एयर के माध्यम से हो रहा है, या फिर वैक्यूम के माध्यम से हो रहा है, ठीक। ये था थोड़ा बेसिक डिफरेंस। अब पढ़ते हैं इनके एग्जांपल की डिटेल्स के बारे में, ठीक। सो अब आता है नेक्स्ट, गाइडेड मीडिया इन डिटेल, ठीक है। अब मान लीजिए एक लैपटॉप है मेरा, ये एक लैपटॉप है मेरे फ्रेंड का, इसको मैंने जोड़ रखा है एक लैन केबल से, ठीक है, या फिर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है। तो अब ये गाइडेड मीडिया कैसे हुआ, गाइडेड मीडिया में जो डाटा होता है नेटवर्क ट्रांसमिशन में, वो ट्रेवल करता है अलोंग द मीडियम, ये इसको अपने साथ लेके चलेगा कि यहां से निकला तो भाई चल कहां जाना है, सेंडर एड्रेस इसके पास है और रिसीवर एड्रेस इसके पास है, तो ये पूरी वायर में ढूंढता हुआ कहां पर ये कंपोनेंट लगा हुआ है डाटा पहुंच गया गाइडेड होकर के। कोई इसको लेके आया साथ में, जैसे कि यहाँ पे तार या फिर ये मीडियम यहाँ पे साथ लेके आई, छोड़ नहीं दिया अकेला कि जा पहुंच जाइयो, ठीक है, साथ में लेके आई, कैरी अलोंग द वे, ठीक है। तो इसे कहते हैं गाइडेड मीडिया, जहां पे मीडियम डाटा को गाइड करता है कि जाना कैसे है, कहां तक है, कैसे कैसे हम जाएंगे, ठीक। इसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास कॉपर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और कोएक्सियल केबल,
या फिर हम कह सकते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ये बहुत ज्यादा यूज होती है ऐसे मीडिया को बनाने के लिए, लेकिन आप कॉपर ट्विस्टेड कोएक्सियल ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होती है कॉपर केबल, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड कॉपर केबल, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात कर रहे थे ट्विस्टेड पेयर की, ठीक है, ये क्या होती है। सो ट्विस्टेड पेयर केबल, दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए एक नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन तरीका है, ठीक है, मोस्ट कॉमन तरीका है ये दो नेट सिस्टम को आपस में, दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए। और इसमें क्या होता है, जो वायर होती है, तो जो ये दो वायर होंगी या फिर ट्विस्टेड होंगी, ट्विस्टेड मतलब होता है घूमी हुई, यानी कि ऐसे और ये इससे लिपटी हुई ऐसे। अगर आप घर में आपके केबल की वायर हो और उससे आप उसको जला के साइड करें और उसके अंदर की जो वायर होती है वो देखें, तो उसमें सारी वायर ऐसे होती है। ये मान लीजिए वायर है, आपने ऐसे जला दिया तो ये वायर ऐसे ऐसे निकली होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी वायर होती है ऐसे ऐसे करके। तो ये हो गई कि ये सब वायर्स हो गई। अब अगर यही वायर ट्विस्टेड वायर होंगे तो कैसे होंगी, जो आपस में लपटी हुई होंगी, अगर आप उसे घुमा देंगे तो ऐसा करके, जहां पे ये आपस में ट्विस्टेड होंगी यानी कि घूमी हुई, हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, इनका हम यूज कर सकते हैं दो नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, कोएक्सियल केबल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, आपको भले ही समझ में आया तो नेक्स्ट, ठीक। सो हम बात कर रहे थे कोएक्सियल केबल की, और कोएक्सियल केबल जो होती है इनमें हाई स्पीड होती है डाटा के ट्रांसफर करने की, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाइडली यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, टीवी इंडस्ट्री मतलब केबल वेबल जो आप लगाते हैं अपने घरों पे वो, और कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये देता है हाई स्पीड का डाटा ट्रांसमिशन। क्यों, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। तो अब कैसा होता है इसका डिजाइन और क्या होती है कोएक्सियल केबल, ये समझ में आ गया, एडवांटेज समझ में आ गया, कहां कहां यूज होता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल की, ये होती कैसी है। सो कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि जो कंडक्टर होगा वो बहुत सारी सेवरल लेयर से कवर्ड होगा, पहली चीज। दूसरा कि प्लास्टिक इंसुलेटर से हर एक लेयर सेपरेट भी होती है। तीसरा, जो डाटा कैरेज करता है वो इनर लेयर पे करता है, मतलब तो अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो शील्ड होती है वो उसको हेल्प करती है और उसे ग्राउंडिंग पहुंचाती है। तो इस तरह से कोएक्सियल केबल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रखती है, तो वो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टीवी इंडस्ट्री में। केबल लेवल जो भी घर पे आते हैं ना नेटवर्क, आप टीवी देखते हो उसमें आते हैं 280 चैनल केबल्स के, तो वो यही तरीका होता है जिनमें वो यूज करते हैं कोएक्सियल केबल। ये भी एक मीडियम है नोड्स से नोड्स को आपस में जोड़ने का, जैसे कि हमने बात करी पिछले एग्जाम्पल में ट्विस्टेड पेयर केबल की, वैसे ये भी होती है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा एक और होती है, वो होती है फाइबर केबल्स या फिर ऑप्टिक फाइबर केबल्स, जिनके बारे में और जानेंगे और फिर हम बढ़ेंगे इसके बाद आगे वायरलेस मीडिया की तरफ, ठीक। सो नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल। इसी के साथ आप चाहे तो ये टॉपिक्स हमारी ई बुक से या फिर हमारे कोर्स से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन से मिले और आप चीजों को अच्छी तरह से लें, समझे और आगे बढ़े। ये वीडियो अच्छे बस इसलिए है कि ताकि जो कंटेंट हमने वहां पर कवर किया है और जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते या फिर बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर वो नहीं समझ पा रहे, वो ये वीडियो लेक्चर हिंदी में देख पाए और भारत के बच्चे पढ़ पाए, बढ़ पाए, ठीक। सो ऑप्टिक फाइबर केबल, ये भी एक बहुत ज्यादा मोस्टली यूज किया जाने वाला तरीका है आजकल के टाइम पे एक नोड्स को दूसरे नोड से जोड़ने के लिए। लेकिन ऑप्टिक फाइबर केबल होती क्या है, तो ऑप्टिक फाइबर केबल जो होती है वो बहुत सारे छोटे ग्लास फाइबर से बनी होती है, जो कि फ्रीक्वेंसीज की वेव में डाटा को ट्रेवल करवाती है, ठीक। इतना समझ में आया, तो इससे आगे ऑप्टिक फाइबर केबल जो होती है वो बनी होती है नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास। सो हम बात कर रहे थे ऑप्टिक फाइबर केबल की, ऑप्टिक फाइबर केबल होती है वो थिन ग्लास फाइबर से बनी होती है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में डाटा को ट्रेवल करवाती है।
उसके बाद क्योंकि मोस्ट कॉमन तरीका है और साथ ही ऑप्टिक फाइबर केबल जो होती है वो नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास से बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं कोर, और इस कोर के ऊपर एक कवरिंग मान लीजिए एक तरह से होती है जिसे हम कहते हैं क्लैडिंग। तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा ठीक, और इसकी कोटिंग करेगा ताकि ये खराब ना हो। समझ में ऑप्टिक फाइबर केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल जो होता है वो बहुत सारे थिन ग्लास फाइबर से बना होता है। इसी के साथ ऑप्टिक फाइबर केबल की जो तारें होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक थिन या फिर बहुत ही नैरो ग्लास स्टैंड होती हैं जिन्हें हम कोर कहते हैं। अब उस कोर के ऊपर एक कवरिंग करी जाती है प्लास्टिक कोटेड, प्लास्टिक कोटेड जो कि उसको एक तरह से शील्ड की तरह हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है, इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। ये क्या होती है? कंसेंट्रिक प्रोटेक्टिव लेयर कोर के ऊपर, और कोर क्या हुआ? नैरो ग्लास स्ट्रैंड, मैंने स्टैंड नहीं बोला, स्ट्रैंड बोला है। स्टैंड तो हो गया स्टैंड, या तो खड़ा होना या फिर कोई चीज जहां पे आप खड़े हो सकते हैं ठीक है, पर स्ट्रैंड क्या हो गया? एक सिंगल, ये सिंगल फाइबर केबल, इसे हम कहेंगे ग्लास की फाइबर केबल, इसे हम कहेंगे स्ट्रैंड, और इन्हें हम कहते हैं कोर जिसके ऊपर कवरिंग की होती है क्लैडिंग की, जो कि एक कंसेंट्रिक लेयर होती है जो कि उसको प्लास्टिक कोटेड की तरह हेल्प करती है, मतलब उसे प्रोटेक्ट भी करती है और डेटा ट्रेवल करने में हेल्प भी करती है। प्लास्टिक का कोट मान लीजिए उसके ऊपर, प्लास्टिक की कवरिंग, ताकि वो सेफ रहे ठीक। तो ये थी हमारी तीसरी जो थी ऑप्टिक फाइबर केबल। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले मॉडम की, क्योंकि मॉडम भी बहुत जरूरी है जो कि ये सब यूज करता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉडम कैसे हेल्प करता है नेटवर्क में। So, हम बात कर रहे थे मॉडम की, क्या होते हैं मॉडम और क्या होता है इनका यूज। इससे पहले भी हमने आपको एग्जांपल याद हो तो हमने पहले बात कर रखी है डाटा ट्रांसमिशन के टाइम पे, कि अगर आपने सिस्टम से एक सिस्टम मैसेज लिख के भेजा कि हाय लुक्स ब्यूटीफुल, आपने लिख के भेजा तो ये आपके सिस्टम से सेंड हुआ और यहां तक पहुंचा, इसको सिस्टम पर दिखा, तो बीच में ट्रेवल कैसे करता है ये हम बात कर चुके हैं। इसलिए हमने जिक्र किया था मॉडम का, क्योंकि क्या करता है आपके फिजिकल लेयर पे ये होता है प्रेजेंट, पहली चीज आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा, आपका सिस्टम चाहे वाइड मीटर से जुड़ा हो चाहे वायरलेस मीटर से, मॉडम कहेंगे तो प्रेजेंट होगा पूरे नेटवर्क में, चाहे आपके सिस्टम से डायरेक्ट मॉडम जुड़ा है या फिर आपका सिस्टम जुड़ा हुआ है किसी मोबाइल हॉटस्पॉट से या फिर किसी और वाईफाई नेटवर्क से और वहां पे आगे कहीं मॉडम जुड़ा हुआ है, पर मॉडम जुड़ा हुआ होगा। कि मॉडम का काम क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना ताकि वो ट्रेवल कर पाए। तो आपने यहां से डाटा भेजा कि हाई लुक्स ब्यूटीफुल, तो ये मॉडर्न ने इस डिजिटल डाटे को एनालॉग में चेंज करा, फिर वो ट्रेवल हुआ पूरे पाथ में, और कहीं एक मॉडर्न और होगा इस एंड से पहले, और ये मॉडर्न जो प्रेजेंट है किसी एक दूसरे एंड से पहले वो इसके मैसेज को रिसीव करेगा, समझेगा, आपके लिए फिर कन्वर्जन करेगा एनालॉग से डिजिटल और आपको भेज देगा, और फिर आप वो पढ़ पाते हो कि हाँ उसने मुझे लिखा है कि हाय एंड लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये है मॉडम का छोटा सा यूज इस बीच में, मॉडम इसी के काम में आता है। तो ये था लिटिल इंट्रोडक्शन, और हम बात करेंगे अब मॉडम के बारे में थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है ठीक।